नमस्कार मेरे सभी दर्शकों को, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे हो। मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। ये नया वीडियो है, पहला वीडियो होगा जो मैं हनुमान चालीसा के ऊपर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हनुमान चालीसा के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? राइट, तमाम वीडियोज़ हैं आपके यूट्यूब में, आप उन्हें देख सकते हो जाके। बट यहाँ पर मैं बताऊँगा आपको कि एक्चुअल बेनिफिट्स क्या हैं जो हम लोग एक्चुअली में फील करते हैं। राइट, जो हमारे जितने भी बुद्धिजीवी हैं, जितने भी हमारे पंडित हैं, जितने भी हमारे हिंदू धर्म से संबंध रखने वाले लोग हैं, वो आपको बताते हैं कि नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री कह के जो है आपके मतलब एक्चुअल में बेनिफिट्स जो दिखते हैं वो सब सारे एक पॉइंट में निर्धारित करते हैं। बट इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक्चुअल जो ब्रह्म एक्चुअली जो हनुमान चालीसा जो है वो हनुमान चालीसा जब मैंने पढ़ा था, राइट, तो पढ़ने के बाद मुझे क्या क्या महसूस हुई, राइट, मुझे क्या क्या चीज़ें महसूस हुई इस जगत में, और बहुत ही अच्छा महसूस हुआ मुझे। राइट, और मैं कम से कम 3-4 साल 5 साल पहले से करते आ रहा हूँ हनुमान चालीसा का पाठ। तो हनुमान चालीसा का पाठ बहुत ही सुंदर पाठ है। राइट, ये मतलब तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छे से दिया है इसको। तो इसका निरंतर अगर आप पाठ करते हो तो आपको मतलब आपके ऑरा जो है ना, आपकी पर्सनालिटी में बहुत ही एक चेंजेस आती हैं, और वो पर्सनालिटी जब चेंजेस आप में आती हैं तो लोग ऐसे भी अट्रैक्ट होते हैं आप पे। राइट, अट्रैक्ट होकर आपके समक्ष आके आपसे कुछ सीखना चाहेंगे वो, क्योंकि आपके अंदर जो है बल, बुद्धि, विद्या, वो तीनों एक साथ बढ़ती हैं। राइट, तो इन चीज़ों पे मैं धीरे धीरे आऊँगा, बट आप अट्रैक्शन जो है उस पर बात कर लेते हैं। अट्रैक्ट करते हो आप सब चीज़ को, लोग तो लोग ही, साथ में वेल्थ को भी अट्रैक्ट करते हो आप। जब आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते हो तो आप मटेरियलिस्टिक चीज़ों में भी ज़्यादा ध्यान देने लगते हो, और मटेरियलिस्टिक चीज़ों को भी आप एंजॉय करते हो। राइट, तो उस एंजॉयमेंट का जब आप पाते हो तो आप और हनुमान चालीसा को पढ़ने का मन करता है आपको। यो तो हो गया मटेरियलिस्टिक चीज़ें। अब जो है मैं बताऊँगा आपको कि स्पिरिचुअली जो है आप कितने स्ट्रांग बनते हो हनुमान चालीसा के पाठ से। ना, आपको जो भी सोचते हो आप, आपके मन में मुझे चाहिए ये चीज़ें, ओके, ये होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ओके, तो जो भी आप सोचते हो ना वो अकॉर्डिंगली होती है, क्योंकि हनुमान जी आपके साथ है, हनुमान जी सुन रहे हैं कि आप उनके सुमिरन कर रहे हो आप उनका। तो आपके जो भी अच्छे बुरे थॉट्स नहीं, बुरे इच्छाएँ नहीं, अच्छी इच्छाएँ जो है, अच्छी इच्छाओं का जब आप पढ़ने लगते हो, जब आप मतलब सोचने लगते हो कि हाँ ये सब चीज़ें मुझे चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह से ये हो जाना चाहिए, वहाँ मैं जा रहा हूँ कल, मुझे ऐसी परिस्थितियाँ चाहिए, मैं ये करने जा रहा हूँ, मेरे लिए अच्छा हो रहा चाहिए कुछ, तो वो सब हो जाती है आपके लाइफ में। और जब वो सारी चीज़ हो जाती हैं आप अवश्य उसके तरफ अट्रैक्ट होने लगते हो। राइट, आप ज़्यादा मतलब हनुमान चालीसा को पढ़ने लगते हो। तो ये हो गई आपकी मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ। ब्रह्मचर्य पालन करना बहुत ज़रूरी है। ब्रह्मचर्य में जब आप रह के हनुमान चालीसा का पाठ करते हो तो आपको अनगिनत फ़ायदे मिलते हैं। राइट, आपकी बल बढ़ती है। राइट, आपका वीर बढ़ता है, आप रिटेन करते हो अपने सीमन को, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप गृहस्थ हो, चाहे आप ब्रह्मचारी हो, आपके अंदर का जो सीमन है, जो वर्क फोर्स एनर्जी है, उसको आप सेव करने लगते हो। जब आप सेव करने लगते हो तो आपके अंदर बल बढ़ती है। बल बढ़ने पर आप सक्षम होते हो हर काम को करने में। राइट, हर काम को करने में आप सक्षम होते हो, और जब आप हर काम को करने में सक्षम होते हो आपकी डिमांड होगी हर जगह कि हाँ वो सक्षम है, ही इज़ एबल टू डू, उसके अंदर पोटेंशियल है, तो हम उसको ले सकते हैं, चाहे वो सर्विस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, यू बिकम अ एसेट फॉर देम, आप एसेट बन जाते हो उनके लिए, तो वो आपको सिलेक्ट करते हैं। तो ये है आपका जो है ब्रह्मचर्य पालन करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, उसके ऊपर भी वीडियो दूंगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया अभी तक। तो आगे भी ब्रह्मचर्य के बारे में दूंगा, और जो है बल बढ़ाने की विद्या के बारे में भी दूंगा, तो इसी टॉपिक्स पे ही चैनल है, तो सब्सक्राइब कर लेना। तो बल बढ़ने पे आपकी डिमांड बढ़ती है। तो बेसिकली हनुमान चालीसा को पढ़ने से आपके इतने सारे लाभ हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। इसको आप 21 दिन 21 डेज राइट 21 डेज कंटिन्यूसली ब्रह्मचर्य में रहकर पढ़ाई करना शुरू करें, इसका जाप करना शुरू करें। सुबह नहा धो के राइट बैठ जाइए, सुबह नहा धो के बैठ जाइए, शौच आदि से निवृत्त होकर बैठ जाइए, और हनुमान चालीसा का पाठ निरंतर कीजिए 21 दिन तक, अगर आपको बेनिफिट्स देखने हैं फर्स्ट 21 डेज का। राइट, पहले 21 दिन का बेनिफिट्स जब आपको दिखने लगता है तब आप ऑटोमेटिकली उसमें जो है अट्रैक्ट होने लगते हो, आपको वो सारी चीज़ें मिलती हैं, स्पिरिचुअली हो या फिर आपको मटेरियलिस्टिक वे में हो, आपको मिलना शुरू होती है। राइट, तो इसीलिए इस चीज़ को आप अप्लाई करो अपने अंदर, और कमेंट में मुझे नीचे बताना कि आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिले आफ्टर 21 डेज। राइट, पूरे श्रद्धा के साथ होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने 3-4 मिनट किया, 5 मिनट किया तो हो गया, नहीं, श्रद्धा के साथ कीजिए, फेथ के साथ कीजिए, आस्था के साथ कीजिए, आपको अवश्य वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में चेंजेस मिलेंगे जो आप चाहते हो। राइट, मैंने की है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आई होप आप भी करोगे इसको। राइट, तो वीडियो यहीं तक था, तो आने वाले वीडियोज़ को भी देखिएगा, मैंने नया चैनल खोला है, ग्रो इन स्पिरिचुअल चैनल,
और मेरा जो पुराना चैनल है माय डिवाइन जोन, उसको भी आप जाके सब्सक्राइब कर लेना। नीचे आपका जो है लिंक है मैं दूंगा, तो जाके उसको चेकआउट करना और कंसिडर सब्सक्राइबिंग, लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। तो थैंक यू सो मच, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, हरे कृष्णा एंड आई होप यू हैव अ वंडरफुल लाइफ।